40 की उम्र में 24 के दिखोगे आप। बुढ़ापा एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव, जैसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, स्वस्थ आहार खाना, स्मोकिंग और अल्कोहल से परहेज करना और सही मात्रा में नींद लेना, जवा दिखने वाली त्वचा पाने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं। तो आइए जानते हैं वो मैजिकल टिप्स जिनको अपनाकर आप 40 के उम्र में भी 24 के दिख सकते हैं। नंबर एक, सब्जियाँ जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कई बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं और आपकी त्वचा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। नंबर दो, हरी और पीली सब्जियों का अधिक सेवन त्वचा की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे झुर्रियों और त्वचा की उम्र बढ़ना कम हो जाता है। नंबर तीन, नींद की खराब गुणवत्ता त्वचा को प्रभावित कर सकती है और त्वचा की उम्र बढ़ने का कारण बन सकती है। अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने और जवा दिखने के लिए आपको रात में कम से कम 7 से 9 घंटे अवश्य सोना चाहिए। नंबर चार, जैतून का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा इसके सेवन से आप जवां दिखाई देते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर हेल्थ, ब्यूटी और किचन टिप्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर पाँच, कोको में मौजूद फ्लेवेनॉल आपकी त्वचा में ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाता है। इसका मतलब है कि आपकी त्वचा को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और स्वस्थ रहती है और जवा दिखती है। नंबर छः, लंबे समय तक टेंशन लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को तनाव मुक्त रखें। टेंशन फ्री रहने के लिए आप रोजाना योग और ध्यान कर सकते हैं। योग और ध्यान आपको तनाव मुक्त रहने में मदद करने के साथ ही मानसिक और भावनात्मक तौर पर आपको संतुलित रखता है। नंबर सात, तनाव आपके जीवन की गुणवत्ता को कम करता है और आपके शरीर में सूजन पैदा करता है। यह आपकी त्वचा पर दिखाई दे सकता है, तो एक ब्रेक लें और आराम करें। नंबर आठ, तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करें, यात्रा करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, फिल्म देखें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, वह सब करें जो आपको आराम करने में मदद करता है। नंबर नौ, ट्रैकिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, डांसिंग या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जो आपके शरीर को एक अच्छा वर्कआउट दे। यह जीवन शैली की बीमारियों जैसे डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोग को दूर रखेगा और आपको अपनी उम्र से कम दिखाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए। नंबर 10, यदि आपका शरीर ठीक तरह से हाइड्रेटेड नहीं है तो आपकी त्वचा रूखी और बेजान नजर आने लगेगी। यह आपको वास्तव में आपसे अधिक उम्र का दिखा सकता है। हाइड्रेटेड रहना आपके मेटाबॉलिक कार्यों को बनाए रखने और आपकी त्वचा को भीतर से हेल्दी और शाइनी बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 11, स्मोकिंग न केवल कैंसर का कारण बनता है बल्कि समय से पहले त्वचा की उम्र बढ़ने, बालों के झड़ने और त्वचा के मुद्दों जैसे मुहासे और सोराइसिस का कारण बन सकता है। नंबर 12, किसी भी तरह का वर्कआउट अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, इससे बढ़ती उम्र में भी फिटनेस को मेंटेन रखा जा सकता है। दौड़ना, टहलना, साइकिलिंग, योग जैसे कई ऑप्शन हैं शरीर को एक्टिव रखने के। इन सभी एक्टिविटीज से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, जिससे शरीर के सभी फंक्शन सुचारू रूप से काम करते हैं और चेहरे की चमक भी बढ़ती है। एक्सरसाइज बढ़ती उम्र में भी आपको जवा बनाए रखने का काम करता है। नंबर 13, लंबे समय तक फिट और जवान नजर आने के लिए खान पान पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।
फल, जूस, हरी सब्जियां, दालें, बीन्स, स्प्राउट्स, सीड्स एंड नट्स, इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। नंबर 14, तले भुने, जंक, शुगर प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने से परहेज करें। भोजन में चीनी और नमक की मात्रा कंट्रोल करके आप बहुत हद तक उम्र के असर को कम कर सकते हैं। नंबर 15, सनस्क्रीन सबसे अच्छा एंटी एजिंग सॉल्यूशन है। ये आपको धूप से बचाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। आपकी त्वचा पर उम्र बढ़ने के किसी भी दिखने वाले लक्षण के लिए सूरज जिम्मेदार है। ये काले धब्बे, पिगमेंटेशन या यहाँ तक कि झुर्रियाँ भी पैदा कर सकता है। इसलिए ये हमेशा सलाह दी जाती है कि जब आप घर के अंदर हों या बादल छाए हों, तब भी उम्र बढ़ने के किसी भी लक्षण को कम करने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 16, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर भोजन त्वचा की इलास्टिसिटी में सुधार कर सकता है और स्किन को डैमेज और समय से पहले बूढ़ा होने से बचा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर आदि का और फल जैसे अनार, ब्लूबेरी, एवोकांडो आदि खूब सारी सब्जियां और फल खाएं। आप अपने डाइट में ग्रीन टी और जैतून के तेल को भी शामिल कीजिए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें ये बताएं मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड की जाती है उसमें कौन सी टॉपिक पर आपको ज़्यादा वीडियो पसंद आती है। नंबर 17, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट राजू बताते हैं कि खाने के बाद पानी पीना किसी जहर से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो यह हमारे आमाशय में जाता है और पेट की आग खाने के पचाने का काम करती है। जिस तरह से गैस पर खाना पकता है उस तरह पेट में जाने के बाद खाना उसकी आग में पचता है, लेकिन जब हम खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो आमाशय की आग ठंडी हो जाती है और खाना पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे में खाना खाने के एक घंटे बाद ही हमें पानी का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर आप खाने के बाद कुछ पीना चाहते हो तो आप छाछ, फलों का रस या फिर नींबू पानी पी सकते हैं। नंबर 18, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को जब प्यास लगती है तो वह गटागट पूरा गिलास या पूरा बोतल पानी पी जाते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, यह सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। आपको हमेशा घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप धीरे धीरे पानी पीते हैं तो आपकी लार उस पानी के साथ आपके पेट में जाती है और इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो आपको बता दें कि आपकी जो लार होती है वह एल्कलाइन होती है और पेट में एसिड पाया जाता है। ऐसे में जब एल्कलाइन और एसिड को मिलाया जाता है तो कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। ऐसे में जब पेट में अम्लता नहीं होती है तो खून में भी अम्लता नहीं होती और ऐसे लोगों को कभी भी वात, पित्त और कफ की समस्या नहीं होती है। नंबर 19, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट गर्म होता है और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो यह हमारे पेट को ठंडा कर देता है और पेट ठंडा होने से हार्ट और ब्रेन भी ठंडा होने लगता है, और जब यही स्थिति बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक और कई बार मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 20, हमेशा जवान दिखने के लिए जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। दोस्तों, इससे 2 फायदे होंगे। पहला कि यह पानी आपकी बड़ी आंत को साफ करेगा और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी और उस पर दबाव पड़ेगा तो आप आसानी से सुबह फ्रेश हो पाएंगे और 2-3 मिनट में ही आपका पेट साफ हो जाएगा
और जिनका पेट एक बार में साफ हो जाता है उन्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। दूसरा फायदा यह होगा, सुबह के समय पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे में जब मुंह की लार पानी के साथ पेट में जाएगी तो यह एसिडिटी होने से बचाएगी। नंबर 21, यंग रहने के लिए एक्सरसाइज सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इससे शरीर में होने वाली बीमारियों से निजात मिलती है और लोग स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों की ताकत और शरीर में लचीलापन और हृदय रोग से बचने में मदद मिलती है। इसलिए आपको उत्तपटासन, कोणासन, भुजंगासन जैसे एक्सरसाइज जरूर करने होंगे। दोस्तों, आप सूर्य नमस्कार या कोई भी योगा या कोई भी एक्सरसाइज जरूर कीजिए और अपने आप को आप फिट रख सकते हैं इन एक्सरसाइज से। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।